एंड सत श्री अकाल। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी आप लोग मुझे कच्चा बदम गाने के लिए मत बोलिएगा, मैं गा नहीं सकती, मेरी आवाज बहुत खराब है। आज मैं क्यों एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं पहली बार दुर्गा पूजा मनाने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, आई एम अ मुस्लिम गर्ल, मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं एक मुस्लिम गाँव में रहती हूँ, तो इधर दुर्गा पूजा मनाई नहीं जाती। मैं बचपन में दूसरे गाँव में रहती थी, गाँव नहीं मोहल्ले में रहती थी, तो उधर दुर्गा पूजा मनाया जाता था। मुझे अभी भी याद है, मैं अपने पप्पा के साथ दुर्गा पूजा के थीम देखने के लिए जाती थी बाइक में, फिर मैं इधर आ गई और कभी भी दुर्गा पूजा मनाई नहीं। तो आज मैं पहली बार मेरे इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ दुर्गा पूजा मनाने के लिए। वहाँ जो दुर्गा माँ के मूर्ति है ना, वो हम लोगों ने खुद के हाथों से बनाए। हम लोग चाहते तो खरीद भी सकते थे, लेकिन सर और मैम ने बोले कि अपने हाथों से बनाओ, क्योंकि खुद के बनाए हुए चीजों के ऊपर ना एक अलग ही इमोशन होती है। वैसे मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की, मैंने दोस्तों ने ही ज्यादा मेहनत की है। वो लोग मुझे बोलते भी है कि तू ज्यादा मेहनत तो करती नहीं, बस लास्ट में आके क्रेडिट लेके जाती है। मुझे भी पता है मैं बहुत कामचोर हूँ। वैसे उन लोगों के साथ ना ये मेरी पहली और आखिरी दुर्गा पूजा है। हमारे कोर्स ड्यूरेशन तो एक साल के है ना, तो अगले साल हम लोग कहीं और पे होंगे। इस वीडियो के थ्रू ना मैं मेमोरी भी कलेक्ट कर रही, जब मैं फ्यूचर में इस वीडियो को दिखूंगी तो मैं याद कर पाऊंगी हम लोग इतने मस्ती करते थे। वैसे सोचने में डर लगती है कि एक साल बाद हम लोग अलग हो जाएंगे। उन लोग ना मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। एक्चुअली आज मेरे साथ दो नए चीजें होने वाले हैं। एक तो मैं पहली बार दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने जा रही, और दूसरी बात यह है कि आज मैं पहली बार साड़ी पहनूंगी। जी हाँ, पहली बार, मैं कभी भी साड़ी पहनी नहीं, स्पेशली इस दुर्गा पूजा के लिए मैं साड़ी खरीदी, तो साड़ी भी पहनूंगी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बेड साफ करने हैं। बेड साफ करने के बाद नहा धोकर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टाइम हो गई है 10:53 AM और मैं यहाँ मम्मी के पास साड़ी पहन रही हूँ। मैं ना ब्लाउज नहीं ली, ये क्रॉप टॉप है, इसको मैं जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ। मैं ना जैसे तैसे करके रेडी हो गई, उधर जाके मौली को बोलूंगी अच्छे से साड़ी पहना देने को। पता नहीं कैसी लग रही, चुड़ैल लग रही हूँ ना। साड़ी पहनने के चक्कर में ना ट्रेंड मिस हो गया, तो अभी नेक्स्ट जो ट्रेंड आएगा उसमें जाऊंगी। ऊपर से ये झुमके इतने भारी है ना, लग रही है कि कानों में 5-5 किलो का डंबल उठा के चल रही हूँ। शुक्र है कि आज ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं है, नहीं तो मेरी साड़ी इधर ही उतर जाती। एक्चुअली पहली बार पहनी हूँ ना, सो आई एम लिटिल नर्वस। मैं अपने क्लास में आ पहुंची हूँ और मैं ना बहुत लेट कर दी। मैं जब अंदर आई तो दिख रही थी वो लोग खा रहे थे, तो मैं भी खाना खाने लगी। मैं आप लोगों को अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। से हाय। देखो देखो, ये है श्रीधर। हाँ, मैं हूँ श्रीधर। ओ है रूपम। अरे कुत्ता आए ना भाई। ये हमारी मैम। हेलो। बोल ये देना, बोल ये देना, बोल ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रे। हेलो गाइस, वेलकम टू किमन नाचिस भाई। हेलो गाइस, हेलो गाइस, सामने दिखा। ये है बच्चा। से हाय बच्चा। हाय यार, एज रेस्ट्रिक्शन है यहां पे। से हाय। हां सुती। से हाय। हाय अंदर। ये अमीनूर। ये है पुष्कर। पुष्कर क्यों गया? ये छागल। छागल सागर। कहां मोली जो अपनी फेस नहीं दिखा रही, दिखा रही सीरियसली छे तो वो यूट्यूब है। अरे फेस तो दिखा। दिस इज वन क्रिंज यूट्यूबर, क्रिंज ब्लॉगर। ये हमारे सर सर यूट्यूबर कॉपीराइट। ये रूपा छापड़ी अपने वीडियो में प्याज दिखाता है।
टाइम हो गई है 5:47 PM। हम लोग अभी गंगा के किनारे में आए हैं और ये जो हेडफोन है ना ये गौडांग की है। गौडांग जो भी है उसकी है। मेरी साउंड नहीं आ रही ना तो मैं ये यूज कर रही। हम लोग अभी सर के लिए वेट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को गंगा के व्यू दिखाती हूँ। हमारे सर अभी तक नहीं आए तो हम लोग सोच रहे हैं कि घर चले जाएंगे। सर हम लोगों को बताए थे कि हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। भूखा पिया सा सागर इधर रो रहा है। हमारे सर नहीं आए, हम लोगों को धोखा दे दिए। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं अंधेरे गली से। मेरे सामने है मौली और अमीनुल, सागर और गौरंग उधर रुक गया। वो लोग सर से मिलके ही आएंगे। गाइस देखिए ये एक चर्च है। पेरिस में आ गए, हो रहा है आईफेल टावर। ये देखिए जेवर के दुकान, यहाँ से आप लोग कुछ भी चुरा सकते हैं। गिटार का दुकान। बहुत ही जल्द हम लोग स्टेशन में पहुँच जाएंगे। इस रास्ते के एंड में ही स्टेशन है। फिलहाल टाइम हो गई है 6:10 PM और घर पहुँचते पहुँचते ना 8 PM हो जाएगा। श्रीरामपुर स्टेशन, हम लोग अभी स्टेशन के अंदर में जाएंगे। अरे वाह, आज तो मेरी लग बहुत अच्छी है। आने के वक्त भी ट्रेन में उतनी ही सीट मिल गई और जाने के वक्त भी, ज्यादा भीड़ ही नहीं है। टाइम हो गए 8:05 PM। मैंने वहाँ से 6:30 के जो ट्रेन था वो पकड़ी थी और अभी अभी घर वापस आई, मतलब लगभग 1.5 घंटे लग गए। मैंने रास्ते में 2 कप लस्सी पी और एक बॉटल ठंडी पानी भी खरीदी थी, फिर भी अभी भी पानी की प्यास लग रही है। एक्चुअली बिरयानी खाने के बाद ना बहुत ज्यादा पानी की प्यास लगती है, तो मैं पहले फ्रेश हो लेती हूँ फिर आप लोगों से बात करूंगी। मैंने अपने इयररिंग खोल के बैग के अंदर रख दी थी रास्ते में ही, क्योंकि वो काफी भारी था तो मेरी कान दुख रही थी। 20 रुपए में 6 केले खरीद लाई। अभी दुर्गा पूजा के टाइम है ना तो फलों के दाम काफी महंगे हो गए। टाइम हो गई 2:43 PM और कल वाली ब्लॉग ना मैं आज एंड कर रही, क्योंकि कल मैं साड़ी पहन के बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी। फिर वापस आई, वापस आके 2-4 रील्स बनाई इंस्टाग्राम में डालने के लिए, फिर मैं सो गई थी। और ये देखिए साड़ी अभी तक मैंने फोल्ड करके उठाई नहीं। मैं फोल्ड तो कर रही थी, मम्मी बताई कि पहले धूप में रखना फिर फोल्ड करना, नहीं तो साड़ी खराब हो जाएगी। आज तो धूप खिला नहीं, आज वेदर काफी क्लाउडी है, तो कल अगर धूप खिलेगा तो धूप में रखूंगी फिर साड़ी को फोल्ड करके उठा दूंगी। तो गाइज आज के ब्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। बाय।